Hello dear students, how are you? I hope you all are fine, good and energetic also. So आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो टॉपिक अपने चल रहा था उसमें डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम बात करने वाले थे और यहाँ जो हम लोग बात करेंगे वो डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है किस तरीके से डिस्कवर हुआ था। कल शायद हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी एटम के अंदर कंसिस्ट होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं वो भी शायद हम लोगों ने देख लिया था। हमने बात करी थी कि एटम के सेंटर में एक स्मॉल पोर्शन होता है जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है प्रेजेंट रहते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। इन टॉपिक पर हमने बात कर ली थी। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है क्या, है ना, ऐसे क्यों एटम के अंदर मिले, इन सब चीजों के बारे में जो आपके दिमाग में ख्याल आ रहे होंगे वही जो है वहां पर कुछ लोगों के दिमाग में भी ख्याल पहले से चल रहे थे। ठीक है ना, और उन्हीं में से कुछ साइंटिस्ट के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनका ईयर लिखा हुआ है कि वो किस ईयर में जो है उन्होंने इस टॉपिक पे वर्किंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, उनके बाद जो है एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताएंगे जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मेनली जाने जाते हैं। हालांकि इसमें होते तो बहुत सारे साइंटिस्टों का हाथ था, लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान रहा, सबसे ज्यादा जिसने यूज किया, ठीक है ना, वो कौन थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो है जूलियस प्लकर नाम से एक साइंटिस्ट थे। जूलियस प्लकर जो है 1859 में इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया और इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा दिमाग में कि ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, तो उसे हम पहले बात कर लें डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। देखो, डिस्चार्ज ट्यूब वैसे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, ये एक नॉर्मल ट्यूब होती है और इस ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई होती है। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वैक्यूम पंप की हेल्प से, ठीक है ना, वैक्यूम पंप की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अंदर से सारी गैसेस जो है बाहर निकालते हैं। ठीक, बाहर निकाल दी और यहाँ पे कोई एक गैस भर दी, जैसे मैंने मान लिया हाइड्रोजन गैस भर दी। अच्छा है, अब यहाँ पे इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा कम कर दो। डिस्चार्ज ट्यूब के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कैसे ट्यूब जो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर भी यूज करी जाए, तो यहाँ पे वेरी लो प्रेशर यूज किया जाता है और हाई वोल्टेज यूज करी जाती है। हाई वोल्टेज मतलब ये एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर एक गैस भरी हुई होगी। डिस्चार्ज ट्यूब को बता रहे हैं, एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर गैस भरी हुई होगी, उसका प्रेशर जो है बहुत ज्यादा लो होना चाहिए और उसमें हाई वोल्टेज जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके हमें जो भी मतलब ट्यूब मिलती है उस ट्यूब को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोल देते हैं। ठीक, तो जूलियस प्लकर की जो स्टडी थी वो यही कहते हैं कि लो प्रेशर हाई वोल्टेज पर जब किसी गैस में मतलब लो प्रेशर पर किसी गैस के अंदर हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो होने लग जाते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो अभी हम बताएंगे, चार्ज के बारे में हमें पता था पहले से, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हम लोग चार्ज के बारे में जान चुके थे। तो उन्होंने यही कहा था कि जब लो प्रेशर होगा और हाइड्रोजन गैस पर हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने लग जाता है। ठीक है ना, तो ये जूलियस प्लकर का काम था, उन्होंने अपनी स्टडी में जो है ये देखा था। दूसरे थे विल्हेम हिटॉफ। विल्हेम हिटॉफ ने क्या किया, ऐसे ही एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो भी, है ना, तो उसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए, जरा देखना ध्यान से, दो इलेक्ट्रोड लगाए, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोड जो है ऐसा कुछ लगा दिया और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है इस साइड में कुछ लगा दिया। ठीक, और इसके बीच में एक सॉलिड मटेरियल इन्होंने कोई ऐसा रख दिया,
तो हुआ क्या, जैसे इन्होंने ये सॉलिड मटेरियल यहाँ पर रखा, अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि इसको जो है एक वायर की हेल्प से हम लोग बैटरी के किसी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। मान लेते हैं ये कोई एक यहाँ पर बैटरी है और इस बैटरी से इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक, ये मान लिया नेगेटिव, ये मान लिया पॉजिटिव। तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से रेज निकलना शुरू होगी, चार्ज फ्लो होगा, बात कर चुके इस टॉपिक पे अभी, है ना, ऐसे करके निकल रही। तो ये रेज यहाँ पर तो आई रही थी, ठीक है ना, साथ में यहाँ पे इतना ही पोर्शन जो था जो हमने लिया, इतने पोर्शन पे एक शैडो जैसा जो है हमको दिखाई दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आइडिया लगाने लग गए थे कि जो चार्ज या रेज यहाँ से निकल रही, जो भी कुछ है हमें नहीं पता है क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, यहाँ से जो भी कुछ निकल रहा है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा तो इससे स्ट्राइक भी करेगा रास्ते में, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो इसकी शैडो जो है यहाँ पे हमें मिलने लग गई थी। ये जो है विलियम हिटॉफ जो थे, विलहेम हिटॉफ, 1869 में अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये देख लिया। फिर इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए, देखो कौन कौन यूज में आ चुके हैं, अब तीसरे यूज में आने वाले विलियम क्रूक जो थे 1874 में आए, और इन्होंने क्या किया यहाँ पर एक पैडल व्हील लगा दिया, ठीक है ना। पैडल व्हील का काम क्या होता है, रोटेट करना होता है ना, ऐसे करके हम लोग इसे रोटेट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, जो रेज आ रही थी, ठीक, रेज जो आ रही थी तो वो रेज इसके कॉन्टेक्ट में भी आई होंगी, इससे स्ट्राइक भी करी होगी व्हील से, ठीक है, इस व्हील से जब स्ट्राइक करी तो ये व्हील जो है रोटेट करने लग गया, व्हील रोटेट कर रहा है, इसका मतलब जो रेज यहां से आ रही है उनका अपना कोई मोमेंटम होता है, क्योंकि एक मोमेंटम होगा तभी वो इतना इफेक्ट उनको दिखा पाएंगे कि इस व्हील को रोटेट कर सके, क्योंकि ये जो व्हील थी ये थोड़ी सी साइज में बड़ी होगी ना इनसे, रेज से आने वाली रेज से। उसके बाद भी उन रेज ने क्या किया, इस व्हील को रोटेट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास जो रेज है वो कुछ ना कुछ मोमेंटम भी कंटेन करके रखती हैं, इसीलिए उन्होंने जो है इस व्हील को रोटेट करा दिया था। फिर इसके बाद जो है, और आपके पांचवें और सबसे इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट रहे जिनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है वो थे जोसेफ जे थॉमसन, जिसे आप जे जे थॉमसन नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। 1897 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से पता इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो है पता लगाया इन्होंने, कैसे लगाया था उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, ठीक है ना, तो वो देख लेते हैं क्या किया इन्होंने अफ्रीका जैसा, जिससे जो है हमें पता चला इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है ना, यहाँ पर प्रेशर जो होगा इस ट्यूब के अंदर बहुत ज्यादा कम होगा, ओके, एक चीज तो ये होगी। दूसरा, दो इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रोड जो होते हैं कैथोड और एनोड के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है पहले ये भी तो पता चले, तभी तो कैथोड एनोड समझ में आए। तो इलेक्ट्रोड के बारे में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोड जो होता है कोई भी मेटल होता है, ए मेटल रॉड व्हिच इज डिप्ड इनटू इट्स सॉल्यूशन, अगर किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में आप लोग डिप कर देते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रोड बन जाते हैं, ठीक, और उन्हीं इलेक्ट्रोड को आप एनोड और कैथोड नाम दे देते हैं। जैसे हमने एक कॉपर रॉड ली, है ना, ये कोई ये कॉपर रॉड है और इसको इसी के सॉल्यूशन में यहाँ पे कंटेनर ले लिया और इसके अंदर जो है मैंने CuSO4 कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन डाल दिया, तो ये जो रॉड है एज अ इलेक्ट्रोड वर्क करेगा, ठीक है ना, और इसी को ही आपने कैथोड और एनोड नाम दे दिया। इतनी चीज समझ में आई, अच्छा जी, अब इन्होंने क्या किया, कैथोड एनोड मतलब दो इलेक्ट्रोड लगा दिए यहाँ पे, और इलेक्ट्रोड को लगाने के बाद एक वायर की हेल्प से इसको जो है कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये आपकी कोई भी एक बैटरी हो जाएगी जिससे आपको कनेक्ट कर दिया गया वायर, ठीक है। ये वैक्यूम पंप की हेल्प से जो है यहाँ से सारी गैसेस को बाहर निकाल दिया था, है ना,
सब कुछ जो है बाहर निकाल के फिर एक हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस भर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस हो, ठीक है ना। ये जो है जो रेस ये निकल रही है हमने दिखा रखी है पहले से, वो जो है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है कि कोई भी आप गैस भर सकते, कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस ही, ठीक है ना। ये तो बस एक बता दिया गया है कि इस टाइप से गैस भर रखती है। ओके, हुआ क्या कि इन्होंने एक तो इलेक्ट्रोड ले ली, ठीक, यहाँ पे जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिया है इनको, अभी स्विच ऑफ है, और यहाँ पे इन्होंने जो एक फ्लोरोसेंस मटेरियल लगा दिया। फ्लोरोसेंस मटेरियल का नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है कि अगर हल्की सी भी कोई रे इससे स्ट्राइक करेगी, ठीक है ना, तो ये ग्रीन कलर की चमक जो है दिखा देता है जहां पर भी स्ट्राइक करते हैं। जैसे ये तीन रे यहाँ पे दिखाई दी तो यहाँ पे ग्रीन कलर की चमक दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई देगी, इस टाइप से तो हम पहचान जाते थे। इन्होंने क्या कर रखा था, जो एनोड था ना उसमें बीच में होल भी कर दिया था। ये होल आपको दिख रहा होगा, एनोड के बीच में होल कर दिया था, तो इस होल वाले पोर्शन से पास होने वाली जो रेज थी वही यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रही थी, ठीक है ना। ये जो है इन्होंने एपरेटस जो है अरेंज किया इस टाइप से, और इस अरेंजमेंट से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोले तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कर पाए, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से बहुत सारी चीजें करी यहाँ पर, जैसे हम ऐसा भी मान लेते हैं कि यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट थी, फोटोग्राफिक प्लेट लगाई इन्होंने, है ना। ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या करेंगी कि जब रे पास होगी तो उसकी जो शेडो है वो इन पे ड्रॉ हो जाएगी, और फिर इन प्लेट से हम पता कर लेंगे कि क्या नेचर है, कैसे है। यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पैडल व्हील भी लगाए देते हैं बीच में। मैंने एक पैडल व्हील लगा दिया ये ऐसे करके, ऐसा मान रहे हैं, है ना, ये कोई एक पैडल व्हील है। ओके, ये रेज आएंगी इससे स्ट्राइक करेंगी, इसे घुमाएंगी रास्ते में, है ना, और यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी। तो हुआ क्या, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है ना, तो स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से कैथोड से कुछ रेज निकलना स्टार्ट होती है, और वो रेज जो है यहाँ पे एनोड से स्ट्राइक करेंगे, और फिर इसके होल में से सीधी ऐसे जाती हुई जो है यहाँ पे फ्लोरोसेंस मटेरियल, जहाँ फ्लोरोसेंस मटेरियल जहाँ पे लगा रखा है, ये फ्लोरोसेंस मटेरियल है ना, जिसकी प्लेटिंग यहाँ पे पूरे में हो रही है, और जहां पे इसकी प्लेटिंग होनी वहां जाके रेज स्ट्राइक करेगी। रेज ने स्ट्राइक किया तो वहां पे क्या होगा, ग्रीन कलर का एक चमक जो है हमें दिखाई देगी, और हम पहचान लेंगे कि यहां से यहां पर कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो आया, ठीक है ना। तो कुछ तो ऐसी रेज थी जो आ रही थी, ये तो हमें आइडिया लगी है। अब क्योंकि ये रेज जो है कहां से आ रही है, कैथोड से आ रही है, इसलिए हम लोगों ने जो आइडिया लगाया वो क्या लगाया, या तो हम रेज को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि जो रेज आ रही है वो कौन सी रेज है, कैथोड रेज। तो हम पहला पॉइंट तो यहाँ पे यही लिख सकते हैं कि जो इमर्जिंग रेज होगी, ठीक है ना, कैथोड रेज स्टार्ट फ्लोइंग from cathode to anode, okay जी, एक तो ये चीज हमें यहाँ से पता चली, इनको cathode rays नाम दे दिया गया था, ठीक है ना। दूसरा क्या हुआ कि ये जो rays थी ना, जब ये जा रही थी तो photographic plate में जो है इनको इनकी एक shadow बन गई photographic plate पर, तो उस plate ने क्या इन rays को capture कर लिया, और जब इन रेज को कैप्चर कर लिया और बाद में देखा गया तो वहां पर हमें ऐसा स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई दी, विचार पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल भी थी और स्ट्रेट भी थी। तो यहां से हम लोगों ने आइडिया लगाया कि जो आपकी कैथोड रेज है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो यहां से हमें ये भी पता चला कि जो कैथोड रेज होगी, कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन, एक बात हमें यहां से ये पता चल रही, ठीक। अब क्योंकि
इस व्हील को भी तो रोटेट कर रही थी ये रेस, कैथोड रेस ने इस व्हील को भी तो रोटेट किया होगा, ऐसे करके ऐसे करके घुमाया होगा इसे खूब चढ़ा करके, ठीक है ना। तो हमने वहां से ये भी बता दिया कि कैथोड रेस जो है इनके पास अपना कोई मोमेंटम भी होता है, बहुत तेज स्पीड होती होगी इनके, तभी तो इन्होंने अपना इफेक्ट जो है इस पर दिखा दिया है। तो यहाँ से ये भी पता चला कि कैथोड रेज जो होती है, कैथोड रेज हैव सम मोमेंटम मोमेंटम एंड मूविंग विद ए हाई स्पीड ठीक है। ये दो तीन बातें जो हमें यहां से पता चली है। अच्छा जी, हुआ क्या था कि जैसे ही यहां से हमने हाई वोल्टेज इसको प्रोवाइड कराया तो ये गैस जो यहाँ पे भरी हुई थी ना, वो गैस हो जाती है आयोनाइज, आयन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, है ना। और जैसे ही वो गैस आयोनाइज होगी, रेज जो है एक पाथ से दूसरे पाथ पर जो कंडक्शन ऑफ चार्ज जो होगा वो पॉसिबल हो जाएगा, और फिर चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इस चक्कर में जो है यहाँ पे ये गैस डाल दी थी हमने ताकि वो आयनाइज हो और चार्ज का कंडक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाए। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब लेने का रीजन ही यही था। ये जो जूलियस प्लकर थे ना, इन्होंने बोल दिया था कि जब भी किसी एयर में हम कम प्रेशर पर हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगी और वहां कंडक्शन ऑफ चार्ज पॉसिबल है, इसीलिए इस ट्यूब को जो है इस टाइप का बनाया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि सारी गैसेस बाहर निकाल के एक गैस हमने यहाँ पर रखी थी, प्रेशर इसका कम कर दिया था और वोल्टेज जो है हमने हाई अप्लाई कर दिया, तो हाई वोल्टेज मिलने की वजह से हुआ क्या कि ये गैस जो होगी ये आयोनाइज्ड हुई, और आयोनाइज्ड होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ से चार्ज का कंडक्शन जो होगा वो पॉसिबल हो पाया और जो रेज निकली वो एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन तक जाता है, ठीक है ना। ये हुआ जे जे थॉमसन का एक और बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है इसमें। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार्ज बाई मास का जो रेशियो है, ठीक है ना, हालांकि हो सकता है कि नाइन्थ क्लास में ना आपकी में बुक्स वगैरह एनसीईआरटी वगैरह में मास बाई चार्ज लिखा हुआ होगा, तो चार्ज बाई मास बोलो या मास बाई चार्ज बोलो, रेशियो जो है सेम ही रहता है, नो चेंज, ठीक है ना। तो चार्ज बाई मास का जो रेशियो निकाला वो इतना निकाल के बताया, ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि हम जिस पार्टिकल के बारे में डिस्कवरी कर रहे थे वो जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। चार्ज बाई मास का रेशियो तो इन्होंने ये निकाल लिया था 1.778820×10^11 कूलम पर किलोग्राम, वेयर कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, CoulombD कूलम, The unit of charge. Okay जी, एक तो हमें यहाँ से ये पता चला। फिर इन्होंने क्या किया, जेम्स थॉमसन ने जो है कि इनको इलेक्ट्रोड्स को अलग-अलग मटेरियल का बनाया। भाई हमने बात कर ली ना कि इलेक्ट्रोड जो होता है उसको अगर उसी के मटेरियल में हम लोग डिप कर दें, सॉरी उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दें, तो जो है वो इलेक्ट्रोड बन जाता है। जैसे कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था तो वो इलेक्ट्रोड बना, ऐसे ही अगर मैं किसी और एलिमेंट को ले लूं या फिर मेटल को लेके उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दूंगा तो वो जो है फिर से इलेक्ट्रोड बना देगा, ऐसा तो फिक्स है। तो इन्होंने बार बार इनको बदला, ठीक है, इनको बदला, गैस को बदला, उसके बाद भी जो है इन सबको चेंज करने के बाद भी जो चार्ज बाई मास का रेशियो है वो फिक्स भी यही रहा, नो चेंज। तो यहां से उन्होंने ये भी आइडिया निकाल दिया कि जो ये कैथोड रेज है ये कैथोड या एनोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, पर कैथोड या एनोड आप कैसा भी ले लो, चार्ज बाय मास का जो रेशियो वो तो फिक्स ही आ रहा है, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो तो फिक्स्ड है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो जो कैथोड रेज थी वो इलेक्ट्रोड्स या फिर कैथोड और एनोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करती,
एक पॉइंट हमें यहाँ से ये मिला, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ कैथोड रेस, कैथोड रेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ कैथोड, नेचर ऑफ कैथोड एंड एनोड, नेचर ऑफ कैथोड एंड एनोड, या फिर आप इलेक्ट्रोड्स भी लिख सकते हैं। ओके हमने बात ये भी करी कि इलेक्ट्रोड को तो हम चेंज कर ही रहे थे, साथ ही साथ जो हम लोग हाइड्रोजन मतलब गैस को भी तो चेंज कर रहे हैं। गैस में कदम पे देख लो, अगर आप गैस बदल देंगे, ठीक है ना, अगर आप गैस को बदल देंगे तो भी जो है चार्ज बाय मास का रेशियो कोई फर्क नहीं आ रहा था, जैसा था वैसा ही रहा, नो चेंज वहां पर भी। तो मतलब जो कैथोड रेज है वो गैस के नेचर पर भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं पांचवा पॉइंट कि कैथोड रेज जो थी, कैथोड रेज आर एबल, रेज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, ठीक है। जो कैथोड रेज है वो नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंडेंट नहीं, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है जब मिलने लगी, फिर हमने देखा कि बेटा जब ये जो है क्या नाम है इलेक्ट्रोड हम चेंज कर रहे थे या गैस चेंज कर रहे थे, हर बार चार्ज बाय मास का रेशियो जो है वो फिक्स आ रहा था, नो चेंज, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है जो सबके लिए सेम आ रही हो उन्हें आप फंडामेंटल पार्टिकल फंडामेंटल बोल देते हैं। जैसे हम लोग अपने बारे में बात करें, है ना, कि अब तो सबको बोलने की आजादी है, फंडामेंटल राइट्स है हमारे, है ना। तो जो सबके लिए एप्लीकेबल चीजें होती हैं उनको आप फंडामेंटल बोल देते हैं। तो ये भी तो यही था कि कोई भी आप मटेरियल यूज कर लो यहाँ, लेकिन चार्ज बाय मास का रेशियो तो यही रह रहा है, फिक्स रह रहा है, नो चेंज। इसका मतलब यहाँ से जो रेज चल रही है या जो भी पार्टिकल्स चल रहे होंगे वो सब कैसे पार्टिकल्स होंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे। और ये जो है स्टोनी नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ऐसा मतलब ये इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन नहीं था जो हम डिस्कवर कर रहे, बस उन्होंने एक नाम दे दिया था, ऐसा चार्ज को ही नाम दे दिया था। और जब जे जे थॉमसन इसे कर रहे थे तो थॉमसन ने भी सोचा कि यार ये फंडामेंटल पार्टिकल तो है, तो क्यों ना इस पार्टिकल को जो है इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया जाए। और इस तरीके से उन्होंने इन्हीं इलेक्ट्रॉन रेज को जो है फंडामेंटल पार्टिकल नाम दिया, और उस फंडामेंटल पार्टिकल को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, ये डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया इन्होंने, सारी गैसेस बाहर निकाल के एक गैस अंदर डाल दी है, और यहाँ से कैथोड एनोड लगा दिए। कैथोड एनोड को जो है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जो है इन्होंने कनेक्ट कर दिया। बीच में ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट होती है, इन प्लेट का नाम होता है, इनको मैं बता देता हूँ, ये होती है बेटा फोटोग्राफिक प्लेट्स। इनका नेचर यही होता है कि अगर कोई रे इनके आसपास से गुजरेगी तो ये उसका जो है फोटोग्राफिक मतलब फोटो जो है कैप्चर कर लेते हैं, एक शैडो जैसी जो है अपने इनके ऊपर बन जाती है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है दोनों लगा दी थी, ये रोटेटिंग व्हील था आपका, रोटेटिंग व्हील, ओके जी। इन्हीं सब की हेल्प से जो है इन्होंने ये सारी बातें जो है चार पांच बातें ये निकाल दी थी इन्होंने। तो जैसे ये सारा एफेक्टस जो है सेट हुआ, इन्होंने जो है हाई वोल्टेज इसको अप्लाई कर दिया। हाई वोल्टेज देने क्या हुआ, जो गैस थी वो आयोनाइज होना स्टार्ट हो गई। जब गैस आयोनाइज होना स्टार्ट हुई तो चार्ज जो है या फिर रेज जो है एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट हुई, और वो रेज निकाल के जब फ्लोरोसेंस मटेरियल से स्ट्राइक करा तो उन्होंने ग्रीन कलर की एक चमक दिखाई। तो वहां से हमको आइडिया लग गया कि भैया कोई ना कोई रे ऐसी जरूर है जो यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंच रही है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, तो कुछ तो है यहाँ पे, है ना। अब चाहे वो कुछ भी हो हमें नहीं पता,
उनको जो है जो भी कुछ यहाँ टकरा रहा था उसको इन्होंने कैथोड रेज नाम दे दिया। रेज कैथोड रेज क्यों नाम दिया? क्योंकि वो सारी रेज निकलने वाली किससे थी? कैथोड से निकल रही थी, ठीक है ना, इसलिए इन्होंने इन्हें कैथोड रेज नाम दे दिया। फिर इसमें जो फोटोग्राफिक प्लेट ने जो इनकी शेडो को कैप्चर किया था वही स्ट्रेट लाइन जैसी दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने बोल दिया कि जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कैथोड रेज ने क्या किया, इस रोटेटिंग व्हील को रोटेट भी कर दिया, सन में घुमाया इसको, ठीक है ना। तो जब इस रोटेटिंग व्हील को इन्होंने घुमाया तो हमें आइडिया लगा कि भाई साहब इसका तो कोई मोमेंटम भी है, इनका अपना कोई मास भी होता होगा और उनकी अपनी कोई वेलोसिटी भी होती होगी, क्योंकि मोमेंटम के लिए आपने पढ़ा होगा मास इनटू वेलोसिटी, है ना, 9th में सीरीज में पढ़ा होगा मोमेंटम। तो मतलब इन रेज का जो है अपना कोई मोमेंटम, मतलब उन रेज का अपना कोई मास भी होता होगा और उन रेज की अपनी कोई वेलोसिटी भी होती होगी, इसीलिए उन्होंने इसे रोटेट कर दिया, अदरवाइज वो रेज इसे रोटेट नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो यहां से हमने ये बात पता कर ली। फिर इसके बाद हमने बताया कि कैथोड रेज जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कैथोड एंड एनोड ऑल्सो, ओके, क्योंकि हम जब इनको बदल रहे थे कैथोड और एनोड को तब भी चार्ज बाय मास का रेशियो जो जेदे थॉमसन ने निकाला था वो सेम ही रह रहा था, नो चेंज वहां पर, ठीक है ना। इस चक्कर में हम लोगों ने क्या बोल दिया कि जो कैथोड और एनोड रेज है ये नेचर ऑफ कैथोड पे या एनोड पे जो है डिपेंड ही नहीं कर रही, अगर डिपेंड कर रही होती तो चार्ज बाय मास का रेशियो बदल जाता, डिपेंड नहीं कर रही इसलिए वो फिक्स है। ये चीज हमने गैस बदल के देखी, गैस बदलने के बाद भी इसमें कोई चेंज नहीं आया चार्ज बाय मास के रेशियो में, तो वहां से हमने ये भी बता दिया कि नेचर ऑफ गैस पर भी इंडिपेंडेंट है, नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। और क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स थे और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को जो है एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया था, उसी नाम को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो फाइंड आउट हो पाई थी, ओके। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आई थिंक आप सबको जो है समझ आ गई होगी, तो हो सकता है कि मैंने थोड़ा स्पीड से लेके चला हूं, टाइम शॉर्टेज है इसलिए, तो एक बार अगर समझ में आए तो वीडियो को दो बार देखना, तीन बार देखना, लेकिन समझ जरूर आएगा। और ये नोट्स जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके